मेरा नाम है शुभम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 7 एंड नोट 7 एस को एक न्यू अपडेट मिला है जिसका नाम है MIUI 10.3.7.0। तो उसके अंदर आपको क्या मेजर बग्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या बग्स फिक्स हुए हैं, सारी डिटेल में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है उस अपडेट में, तो शुरू से लेकर एंड तक हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिंपल है, फ्री है बिल्कुल, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। सबसे पहले अब आप फोन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं Redmi Note 7 Android वर्जन 9 पाई। तो इसका Android सिक्योरिटी पैच देखेंगे पहली बात तो यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा अगस्त का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि अगस्त का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल रहा है। टाइम टू टाइम Android सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। और MIUI वर्जन है 10.3.7.0 कर दिया गया, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसके वजह से आपके एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपग्रेड होने के बाद इसके वजह से आपके मोबाइल में काफ़ी UI में लैग खत्म हो चुका है और काफ़ी अच्छा आपका डिवाइस चल रहा है। लेकिन आज में बैटरी ड्रेनिंग अभी भी फिक्स नहीं किया गया, बैटरी ड्रेनिंग अभी भी इसके अंदर अपडेट में आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपडेट करने से पहले। नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो वो है म्यूजिक प्लेयर के अंदर। जैसे ही आप म्यूजिक प्लेयर में जाएंगे, मैं साउंड थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो म्यूजिक प्लेयर में कुछ आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अपना कोई भी म्यूजिक चलाते हैं, जैसे मैंने ये म्यूजिक चला रखा है, तो यहाँ पे आपको नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कट का। और यहाँ पे भी आपको थ्री डॉट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिंगटोन एडिटर का ऑप्शन। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कोई भी बिना थर्ड पार्टी ऐप करे आप अपने गाने को काट सकते हैं। मतलब कोई आप थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कि गाने काटने हैं तो मुझे कोई ऐप डाउनलोड करना है। इसी डिफ़ॉल्ट रूप से दे दिया गया है कि आप खुद के म्यूजिक प्लेयर से ही खुद ही काट सकते हैं, अपना कोई रिंगटोन बनाना, कुछ भी अदरवाइज एक्सवाइजेड कोई भी काम पड़ता है तो यहाँ से आप काट सकते हैं। तो ये काफ़ी अजीब बात है कि इनबिल्ट आपको रिंगटोन कटर इसमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चीज की बात करें तो इसके सिक्योरिटी ऐप में किया गया है। जैसे मैं जाता हूँ सिक्योरिटी ऐप के अंदर, तो यहाँ पर आप जैसे जाएंगे बैटरी के अंदर, तो यहाँ पे एक नया इसका जो UI था वो MIUI 11 की तरह कर दिया गया। बस यहाँ पे MIUI 11 के अंदर जो सिक्योरिटी स्कैन है इसमें अल्ट्रा पावर सेविंग मोड दिया गया, लेकिन वो नहीं दिया गया, लेकिन जो UI है वो MIUI 11 जैसा कर दिया गया। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें सेटिंग में जा सकते हैं। ये पहले भी ऑप्शन था लेकिन ये थोड़ा ऑप्शन मेरे को लगता है अब भी लेके आया गया है, जिसमें बैटरी सर्वर इसे ऑन करते ही आप कुछ चेंजेस करते हैं। बैटरी सर्वर वाला ऑप्शन पहले ही था लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन इसके अंदर लेके आए गए हैं, तो ये थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो भी सिक्योरिटी ऐप के अंदर ही किया गया है, वो है गेम बूस्ट। मतलब गेम टर्बो का सपोर्ट आपको देखने को मिल चुका है। अगर सिंपली आपको गेम टर्बो नहीं मिलता तो सिस्टम ऐप अपडेटर में जाके आप अपना म्यूजिक प्लेयर भी अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रिंगटोन कटर कई बार नहीं मिलता तो म्यूजिक वहाँ से अपडेट करना पड़ेगा प्ले स्टोर से या सिस्टम ऐप अपडेटर में जाके। अगर प्ले स्टोर में ना मिले, सिस्टम ऐप अपडेटर में ना मिले तो MI म्यूजिक सर्च कीजिएगा, वहाँ पर उसको अपडेट कर लीजिएगा। और सिस्टम ऐप अपडेटर में जाके सिक्योरिटी ऐप को भी आप अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे गेम टर्बो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा होम पेज। तो यहाँ होम पेज वैसे करेंगे हॉरिजॉन्टल करेंगे तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा और यहाँ पे गेम टर्बो आपका ऑन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं गेम टर्बो आपके फ़ोन में अनेबल हो चुका है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कौन सा फीचर क्या काम आता है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। स्पेशल वीडियो है, एक एक फीचर मैंने बताया है गेम टर्बो 2.0 का, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो वो आपके मोबाइल की सेटिंग में, जैसे अपने मोबाइल में सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे सिस्टम ऐप अपडेटर में MI अकाउंट को अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो ये चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो अपडेट भी MI अकाउंट का इसको अपडेट करने के बाद आएगा, मतलब 7.0 का अपडेट कर लेंगे उसके बाद सिस्टम ऐप अपडेटर में चेक करेंगे जब भी वो अपडेट आपको दिखेगा। तो जैसे आप MI अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा इसका भी UI चेंज कर दिया गया, देख सकते हैं एंड्रॉयड अकाउंट पहले थोड़े इसके अंदर रंग बिरंगे तक का दिखता था लेकिन अब थोड़ा वाइट कर दिया गया और ये थोड़ा ऐसे कर दिया, मतलब UI थोड़ा चेंज कर दिया गया। तो ये इन्होंने कुछ छोटा मोटा चेंज किया है। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो कुछ बड़ा चेंज नहीं किया गया। आपके मोबाइल में ऐप लॉक में जाएंगे तो आप गूगल कॉन्टैक्ट को भी आप ऐप लॉक लगा सकते हैं, जैसे गूगल में कोई कॉन्टैक्ट या सेव करते थे तो उसे भी आप ऐप लॉक में अब ऐड कर सकते हैं। तो ये एक फीचर उन्होंने ऐड किया इसमें। नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो वो आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर में किया गया। जैसे अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन थ्री डॉट का, तो यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, गूगल ड्राइव का ऑप्शन इसमें इनबिल्ट देखने को मिल जाएगा। इस पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर रिमोट्स भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली आप। अगला चीज़ की बात करूँ तो डायरेक्ट आप फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं गूगल ड्राइव में। जैसे कि मैंने ये फाइल है, अब मैं इसको
ऐसे करूँगा और यहाँ पे मैं मूव बटन पे जाता हूँ। मूव बटन पे जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा एक गूगल ड्राइव का ऑप्शन, डायरेक्ट मैं गूगल में इसको पेस्ट कर सकता हूँ, चाहे मैं करना चाहता हूँ मूव करना चाहता हूँ कॉपी करना चाहता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर गूगल ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, गूगल ड्राइव पर आप सीधा कॉपी करके उधर कर सकते हैं, नहीं तो आपको जाके अपलोड भी करना पड़ता था या चालू रखना पड़ता था, अदरवाइज़ आप मैनुअल एक एक करके बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट लेके आया कि गूगल ड्राइव का फीचर आपके फाइल मैनेजर में देखने को मिल जाता है। अगले लास्ट चेंज की बात करूँ तो सबसे बेकार चेंज किया गया है जो कि आप देख सकते हैं, सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, तो कईयों के लिए हो सकती है उपयोग में ऊपर, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता लोगों को पसंद आएगा। मैनेज ऐप्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक फाइंड ऐप्स का और ऑप्शन आ जाएगा। इसमें क्या चीज़ें उन्होंने अपने एडजस्टमेंट के लिए, मतलब अपने फ़ायदे के लिए आप फाइंड ऐप्स का ऑप्शन दिया है। जैसे बंदा यहाँ पे कुछ क्लिक करता है तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट इनका ऐप खुल जाता है और बोलता है हमारे स्टोर से कुछ डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से ना करके इससे कर लो। तो ये एक उन्होंने किया है, मतलब अपनी एडजस्टमेंट हर जगह, पहले ही ऐड तो दे ही रहे थे लेकिन अब तो और भी करते ही जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। देखते हैं, MIUI 11 में बोला है कि इन्हें बहुत कम कर देंगे, तो MIUI 11 का इंतज़ार करते हैं, उसमें कम करते हैं या नहीं करते वो वक्त बताएगा। बस इस अपडेट में कुछ यही कुछ चेंज किया गया था, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया था। 362 या 302 MB का अपडेट था, कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, बस छोटा मोटा अपडेट है। नोट 7 प्रो में जो चेंज किया वही इसमें चक के चेंज कर दिया, बस इसका नाम थोड़ा अलग कर दिया, बस और कुछ चेंज नहीं किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करें, कई बंदे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एक बार चैनल पर विजिट करके देख लेना, मैंने कितनी सारी वीडियो बनाई हुई है सबके लिए, हर बैटरी प्रॉब्लम सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई है, तो आपको वीडियो चेक कीजिए, कोई पसंद आ ही जाए तो आपको जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो ना करे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।